रायबरेली में विधानसभा का चुनाव जहां चौथे चरण में 23 फरवरी को होना है, वहीं अब सारी पार्टियां अपनी जोरों शोरों से अपने जनसंपर्क को लेकर आगे बढ़ रही हैं, जिसके तहत बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी के लिए सदर से प्रत्याशी मनीष चौहान ने अपना जनसंपर्क शुरू कर दिया है। जोरों शोरों से कांग्रेस की तरफ से दावेदारी पेश करते हुए मनीष चौहान नजर आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव के अंतर्गत जिस प्रकार से जनसंपर्क किया जा रहा है वो काफी हद तक मायने रखेगा इस बार के चुनाव में। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कहना है डॉक्टर मनीष चौहान का, जो कांग्रेस के लिए सदर से प्रत्याशी हैं। माहौल देखिए, यहाँ शुरू से कांग्रेस का ही रहा है। मतलब सदियों से नाम से हर जगह कांग्रेस के नाम से ही जाना जाता है, ये आप सब लोग जानते हैं। तो मतलब जो भी विकास हुए हैं वो कांग्रेस के पीरियड में ही हुए हैं, तो वो कांग्रेस के ही उसे फेज थी। अब वो छोड़ के मतलब उसमें चली गई बीजेपी में, तो खैर उनका अपना अपनी विचारधारा है, वो बात अलग है। लेकिन अब जनता बस उसी चीज़ को है ना, क्योंकि कांग्रेस ही जो रियल सारे जो अंदर से यहाँ पर देखा मैंने पब्लिक का कि इमोशंस जुड़े हुए हैं कांग्रेस से, तो वो वेट वही कर रहे थे कि ऐसा मतलब क्यों हुआ। तो वो भाई आप जैसे होता ना कि आप कोई भी डिसीजन लो जनता के साथ मतलब होता है ना मिक्सअप, एक्सेप्ट तो आप जनता के प्रतिनिधि हो, तो उसमें जनता थोड़ा सा उस चीज में है। तो कांग्रेस का वो है और अच्छा है, और हम जिस तरह से गए हैं अभी सबसे लोगों से मिलना है, मैंने काफी लोगों से मिला है, तो सब लोगों ने अभी मैं शुरू से मेरा परिवार कांग्रेस ही रहा है और रायबरेली मेरा परिवार रहा है, मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ। तो मुझे तो बहुत अच्छा माहौल लग रहा है और ईश्वर की कृपा से अच्छा लग रहा है, अभी तो ठीक है।